हाय गाइस, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सैमसंग के जितने भी स्मार्टफोन आते हैं सबके अंदर हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। 18% सैमसंग के स्मार्टफोन होते हैं जिनके अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पर किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेने वाला मैं, बस यहाँ पर सैमसंग के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसलिए मैंने कह दिया। बात होगी सुपर एमोलेड वर्सेस सुपर एमोलेड प्लस के बीच में। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन को एनेबल कर देना, साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मैं यहाँ पर आपको साफ साफ बोल देता हूँ, कोई भी आड़ी टेढ़ी चीज बोलकर मैं आपका टाइम नहीं बर्बाद करने वाला, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले अगर डिफरेंस देखा जाए सुपर एमोलेड प्लस और सुपर एमोलेड में, तो यहाँ पर जो सुपर एमोलेड प्लस है ये 20% थिन होता है, इसका जो पैनल होता है वो 20% थिन होता है। 18% कम बैटरी कंज्यूम करता है ये सुपर एमोलेड से, और यहाँ पर आपको कलर थोड़े और बेटर देखने को मिलते हैं। बस इतना ही फर्क है और कुछ भी नहीं है। शुद्ध देसी लैंग्वेज में बोलें तो ये सुपर एमोलेड का एक अपग्रेडेड वर्जन है। समझाने के लिए आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं। जिस तरह एमोलेड और सुपर एमोलेड है, उसी तरह से सुपर एमोलेड और सुपर एमोलेड प्लस है। मतलब जो फर्क आपको एमोलेड से सुपर एमोलेड में देखने को मिलता है, वही फर्क आपको सुपर एमोलेड और सुपर एमोलेड प्लस में देखने को मिलता है। सिंपल सी बात है। एक चीज और आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सुपर एमोलेड के साथ आपको HDR 10 प्लस की सपोर्ट मिले तो उसको डायनामिक एमोलेड बोला जाता है। तो ये जो कंपनीज हैं ये बस बेचने के लिए माल अपना अलग अलग नाम यूज करती हैं, अलग अलग टर्म यूज करती हैं, ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलता। तो मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देता हूँ, जो सुपर एमोलेड प्लस है इसके अंदर आपको थोड़ी बैटरी कम कंज्यूम करता है और साथ में कलर अच्छे देखने को मिलते हैं, ब्लू लाइट कम देखने को मिलती है, अच्छी ब्राइटनेस देखने को मिलती है। बस इतना ही है और कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब मेरे पास तो कोई फ़ोन है नहीं, वरना मैं आपको साइड बाय साइड कंपेयर करके बता देता। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।